हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के ग्राम पंचायत लगमनभी के गांव घुमारमी का जवान कमल वैद्य जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हो गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर माइन ब्लास्ट होने पर जवान शहीद हुआ है। 27 वर्षीय जवान कमल वैद्य के शहीद होने का समाचार जैसे ही सुबह घर पहुंचा तो सभी गमगीन हो गए। बता दें कि कमल 15 डोगरा रेजिमेंट में 5 साल पहले भर्ती हुआ और कमल वैद्य की शहीद होने पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। कमल अपने पीछे माता पिता, बड़ा भाई और 2 बहनें छोड़ गए हैं। कमल की शहादत पर कमल वैद्य के पिता ने गर्व महसूस किया है तो गांव वासियों ने भी शहीद को नमन किया है। शहीद का पार्थिव शरीर देर शाम को हमीरपुर में हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचने की उम्मीद है और उसके बाद ही पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद के पिता मदनलाल ने अपने बेटे की शहादत पर गर्व महसूस की और बताया कि सुबह तड़के ही मेजर का फोन आया और शहीद होने की बात बताई। उन्होंने बताया कि बेटा 5 साल पहले भर्ती हुआ था और शहीद होने पर उन्हें गर्व है। उन्होंने बताया कि शादी की भी तैयारियां की जा रही थी। उन्होंने बताया कि बेटे की मंगनी कर दी थी और शादी के लिए कुछ ही दिन बाकी बचे हुए थे। आपको इस चीज का पता? बस सुबह 7:15 बजे। तो कैसे आपको सूचना मिली? ऐसे हुआ कि पेट्रोलियम पर गए हुए थे तो वहाँ पर कोई साथी था, उसने फोन कर दिया। तो साथी ने पूरी बात नहीं हमें बताई। उसके बाद फिर जो मेजर थे उनके उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे बार बार मुझे नहीं पूरे बेट में जो मायने बिछी थी उसके ऊपर उसका पैर आ गया। मायने? हाँ जी, मायने। हाँ जी, वैसे ऐसे तो घटना। कब भर्ती हुए थे जी? 5 साल हो गए सर। शादी का भी था इनका? शादी का भी बात चल रही थी। शादी रखी नहीं थी। बचपन से कैसे थे इनका, क्या था स्वभाव, कैसा था, क्या था? बचपन से बड़े अच्छे थे, क्रिकेट का और वॉलीबॉल वगैरह इसका पढ़ाई में भी बीएससी लास्ट टाइम कब छुट्टी आए थे जी? ये आए थे जनवरी में। परिवार में और कौन कौन है जी आपके? 2 बहनें हैं, 1 भाई है। जो छोटी है कि सारी बहन है इसकी? 1 बड़ी है, 1 छोटी है। मेरी जो शहीद हुए अब क्या कहना चाहेंगे एज ए फादर आप? भारत माता के लिए शहीद हुआ है। भारत माता के लिए शहीद हुआ, क्या कह सकते हैं? फकर है परिवार को, मातृभूमि के काम आया बेटा, और क्षेत्र की जनता को भी फकर है। राष्ट्र का बेटा था और राष्ट्र के काम आया। ठीक है। धीड़ वार्ड से जिला परिषद सदस्य पवन कुमार ने शहीद के घर पर जाकर परिवार को संतावना दी और ढांढस बंधवाया। पवन कुमार ने कहा कि शहीद कमल वैद्य को खेलों में बड़ी रुचि थी तो गीत संगीत में भी बहुत दिलचस्पी रखता था। उन्होंने कहा कि देश सेवा के चलते शहीद हुए कमल वैद्य की शहादत पर सभी गमगीन हैं। बहुत ही भारतवर्ष और राष्ट्र के लिए और क्षेत्र के लिए बहुत ही फख्र का विषय भी है और बहुत ही दुखद भी है, क्योंकि परिवार ने अपना जवान बेटा खोया है। ये बेटा कमल वैद्य जो था, ये बचपन से ही बहुत ही मिलनसार और बहुत ही मृदुभाषी था। खेलों में बहुत रुचि थी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट में भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। मेरे तो स्थानीय परिवार है, स्थानीय लोग हैं, और इस सदमे से सारा ही क्षेत्र गमगीन है। हम यही इस मालिक से, परमपिता परमेश्वर से चाहेंगे कि भगवान जो है उस परिवार को हिम्मत शक्ति दे। ग्राम पंचायत लगमनबी के प्रधान शशि शर्मा ने बताया कि सुबह ही शहीद होने की सूचना मिली थी और उसी समय से ग्राम के प्रतिनिधि भी शहीद परिवार के घर आ गए थे। शशि शर्मा है जी, और मैं पंचायत का प्रधान हूँ, और जैसे ही सुबह मेरे को सूचना मिली, उस 7 बजे के करीब मिली थी, और पूरे इलाके के लिए बड़े दुख का विषय है और समस्त ग्रामवासी इस अपने फौजी भाई के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। परिवार के लिए जिस प्रकार की भी हमारी
सहायता की जरूरत होगी, हम परिवार के साथ दिन रात जब भी होगा हम खड़े हैं। शहीद के भाई देवेंद्र कुमार का कहना है कि जम्मू कश्मीर से सुबह तड़के फोन शहीद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पूरा परिवार गमगीन हो गया। उन्होंने बताया कि शहीद भाई सिंगर बनना चाहता था और यूट्यूब पर भी गाने गाकर चढ़ाता था। उन्होंने बताया कि अभी कुछ महीने बाद घर आने वाला था और शादी की तैयारियां भी की जा रही थी। सुबह 7:30-8 बजे तक फोन आया था उनका, J&K से, कृष्ण घाटी से। वहाँ से पता चला कि SM सुबेदार मैनेजर थे, उनका फोन आया था कि ऐसा हुआ कि वो कुछ माइंस में उसने पैर रख दिया और वो काम गया हुआ था, मतलब पेट्रोलिंग के लिए गया हुआ था, वहाँ वो शहीद हो गया है। पूरा बता दिया उन्होंने, शहीद हो चुका है वो, कि हम 3 बजे आएंगे हेलीकॉप्टर से, ऐसा सब बताया उन्होंने। हमें पूरा NIT उतरेंगे, वहाँ रिसीव कर लेना। फिर DC के लिए फ़ोन हुआ, STM के लिए फ़ोन हुआ, बाकी बस यही बता रहे हैं कि कब तक पहुँच जाएगा, 4 बजे तक पहुँच जाएगा वो, बाकी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बाकी देखते हैं क्या। अपने भाई की कोई ऐसी याद हमारे शेयर करना चाहते हैं? जी बिल्कुल सर, वो मेरा वो ये था कि वो सिंगर बनना चाहता था वो। हाँ जी, उसके गाने भी यूट्यूब पे आए हुए हैं, 2-3 गाने बनाए, 1-2 गाने उसके रिलीज़ करने के लिए तैयार थे। वैसे ही 1 नवंबर में छुट्टी होनी थी उसको, वो आने वाला था, तो मतलब हम वो काम क्या बोलने हैं सर, शादी की भी तैयारी, शादी के लिए सर, उसके लिए 5-6 महीने बचे थे शादी के लिए, मंगनी हो चुकी थी उसकी, क्या करें, शहीद हो गया। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, फैमिली है, तो थोड़ा सा लड़का था, सबसे छोटा, मतलब हमारा सबसे छोटा भांजा था ये, और काफ़ी जॉली टाइप था, काफ़ी एक तब से वो सिंगर भी था, छुट्टियाँ था तो एल्बम वगैरह निकालता था, बड़े अच्छे चारों तरफ अच्छी उसकी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था हर चीज़ का उसको, और ऐसे भी बड़ा सबसे छोटा भांजा तो सबसे प्यारा भांजा था। यहाँ रिसेंटली उसकी एंगेजमेंट हुई थी, बात चली हुई थी, तो बोले चलो 9 दिसंबर में आकर शादी कर लूँगा, बिलासपुर साइड में कहीं बात हुई थी उनकी, ऐसे ऐसे ही है बस। कोई रीस जब लास्ट टाइम छुट्टी आई हो तो कोई ऐसी याद तो नहीं आपसे जुड़ी? नहीं नहीं नहीं, ऐसी ऐसी मतलब ये कि उन्होंने एक वीडियो निकाली थी बहुत अच्छी, लास्ट किसी जंगल में, बड़ी अच्छी गाना, पहाड़ी गाने के ऊपर, और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था उसको हर चीज़ का, सुबह से गाने का बड़ा शौक था उसको, इवन आर्मी में बड़ा वो, मतलब उसको ऐसे एज ए सिंगर।